संजय आप कैसे देखते हैं वो क्रिकेटिंग टर्म्स में, ये गुगली है, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, ये बीमर है या बाउंसर है, और किसके लिए? ये कांग्रेस के लिए है या अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के लिए भी है, बीजेपी के थिंक टैंक की? बहुत मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल है संदीप सवाल, मेरे लिए बहुत कठिन है इसका उत्तर दे पाना, लेकिन मैं अगर सोचूं, मुझे लगता है ये बीमर है, और बीमर है कांग्रेस के लिए। अब उसको छक्का मारना है, डक करना है, कैसे खेलना है, क्योंकि अगर ये परसेप्शन कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर ये मैसेज ले रही है कि भाई बीजेपी तो डरी हुई है और बीजेपी हार के कगार पर है, तो मुझे लगता है कि उसको नुकसान हो सकता है। मैं इसको, इस बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को, मतलब इस एक पहल को एक स्ट्रैटेजी के तहत लेता हूं। मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी बिल्कुल हार के कगार पर है, बीजेपी में बौखलाहट है, हलचल मची हुई है, इस वजह से बीजेपी ये मतलब ये डिफेंसिव रणनीति नहीं है, ये अटैकिंग मोड में दिख रही है बीजेपी, आक्रामक रूप है ये बीजेपी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा आक्रामक रूप है। धड़ाधड़ वो कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको पता है 79-80 नाम से उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए डिक्लेयर कर दिए, लोगों को तैयार कर रहे हैं पहले से, जो कहा जाता है ना पहले से तैयारी हो रही है कि भाई चुनाव लड़ना है। अब आप देखिए चुनाव की घोषणा भी घोड़े खोल दो, सब घोड़े खोल दिए हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, कंस्टिट्यूएंसी दे दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी ये मानती है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं है। राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव है, मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का एहसान है चुनाव आसान नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी को लग रहा है चुनाव आसान नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ कांग्रेस निकाल ले, हम तो जीत गए, मुझे लग रहा है कांग्रेस भूल कर रही होगी। और अभी हमें राजस्थान का भी इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर जो हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर भी यही ट्रेलर रिपीट हो सकता है, यानी कि वहां पर भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और सांसद उतारे जा सकते हैं। हाँ, अगर राजस्थान में भी ऐसा होता है तो बिल्कुल, और इसकी उम्मीद पूरी की जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, तो कोई वजह नहीं है कि ऐसी स्ट्रैटेजी राजस्थान में नहीं होगी। और देखिए दो चीजें हैं, मुझे लगता है कि जिन नेताओं को केंद्रीय नेता, जो जिनके जो पार्टी में कद्दावर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, तो ऐसे क्षेत्रीय नेता जो राज्य की राजनीति में बैठे बने हुए हैं बहुत दिनों से, और शायद इनकी पहली पसंद नहीं है, मुझे लगता है उनको किनारे करने का भी एक अच्छा, एक सरल उपाय, जो डेडवुड शब्द इस्तेमाल किया यशवंत, नेताओं को मध्य प्रदेश की चुनाव में लड़ा दिया। बिल्कुल, और राजस्थान में भी कुछ ऐसी होगी जो, जिसकी चर्चा कई महीनों से, कई सालों से चल रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी अपना चेहरा नहीं बनाएगी, तो किसे चेहरा बनाए, तो किसे चेहरा बनाए, इस पर तो निष्कर्ष पे तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसे तमाम चेहरों को ला दो जिससे पार्टी का जनाधार बचा रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर आपने साइडलाइन भी कर दिया तो पार्टी के खिलाफ कोई माहौल ना बने, और ये जो तमाम बड़े नेता हैं राज्य से जो आते हैं, वो अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो, तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।